स्लोनेस तो है ही इसमें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन लैपटॉप सर्विस सेंटर जिसका नाम है सूरज कंप्यूटर। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास एक एप्पल का ऑल इन वन कंप्यूटर आया है। इसका मॉडल अगर जो मैं बताऊं आपको तो ये 14/18। एक्चुअली ये लैपटॉप, ये जो कंप्यूटर देख रहे हो, ये बहुत बढ़िया कंप्यूटर है। मतलब बड़ी आपको वाइड स्क्रीन मिल जाएगी, स्लिम बॉडी भी मिल जाएगी और मतलब डेस्क पे रख करके आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। और अगर जो मैं इसको घुमा के दिखाना चाहूँ आपको तो ये देखो एकदम स्लिम और ये आपको बढ़िया ऑल इन वन कंप्यूटर मिल जाएगा। फिलहाल तो ये जो हमारे पास जिस केस में आया है वो है स्लोनेस का, काफी स्लो हो गया है। तो कस्टमर ने इसे हमारे पास भेजा है और हमने इसमें SSD लगा करके इसको थोड़ा फास्ट करना है। तो आइए देखते हैं हम इसमें SSD कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे SSD लगता है और कैसे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हम दोबारा से करते हैं। फिलहाल तो आपको मैं दिखाना चाहूँ अगर जो मैं क्रोम वगैरह ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा सा स्लोनेस तो है ही इसमें। कोई भी अगर जो दूसरा प्रोग्राम ओपन करते हैं तब भी इसमें स्लोनेस है। तो आइए पहले हम इसमें इसे ओपन करते हैं और इसमें SSD इंस्टॉलेशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे SSD वगैरह इंस्टॉल होता है और ये जो एप्पल के ऑल इन वन कंप्यूटर वगैरह होते हैं। अगर हम एप्पल ऑल इन वन PC की बात करते हैं तो iMac को दिल्ली NCR में सूरज कंप्यूटर्स ही रिपेयर करता है। इस PC को हाथ लगाने से भी लोकल सर्विस सेंटर वाले डरते हैं। हमारी एप्पल iMac की एक्सपर्ट टीम ही इसे खोलती है और रिपेयर भी करती है। अभी जो आप देख रहे हो वो इसका सबसे टफ काम है। iMac की जो टच स्क्रीन होती है इसे खोलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसकी स्क्रीन को क्रैक भी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट बहुत ही सावधानी से इसे खोल रहे हैं। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल लाइव चल रही है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास एप्पल ऑल इन वन PC है और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाएं, उसको आप किसी एक्सपर्ट से ही रिपेयर करवाएं, क्योंकि ये मशीन बहुत ही महंगी होती है और इसके पार्ट्स मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इस PC की डिस्प्ले भी आपको बहुत ही जेन्युइन रेट में रिप्लेस कर देते हैं। अगर आपके डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आती है या डिस्प्ले क्रैक हो जाती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले को निकालेंगे और उसके बाद इसमें SSD लगाएंगे। अगर आप रिपेयर करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि एप्पल ऑल इन वन मशीन को कैसे खोलते हैं और इसमें कैसे SSD लगाते हैं, कैसे इसमें रैम को अगर अपग्रेड करना है तो रैम अपग्रेड कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इस ऑल इन वन मशीन को मत खोलिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। अब हम इस ऑल इन वन PC में से हार्ड डिस्क को निकालेंगे और इसमें उसकी जगह SSD लगाएंगे। और हमें अपने एक्सपीरियंस से ये पता है कि इसमें SSD लगाने से इसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। Thank you.
ये आप देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पर टेपिंग कर रहे हैं। ये डबल टेप है जो दोनों तरफ से चिपक जाती है। जब हम स्क्रीन को फिट करेंगे तो स्क्रीन में कहीं पे भी कोई गैप आपको नजर नहीं आएगा। अब स्क्रीन पर टेप लगाने के बाद हम इसकी स्क्रीन को फिट कर रहे हैं और इसके बाद इसको ऑन करके देखेंगे कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, इसके सारे कनेक्शन ठीक से हो गए हैं या कुछ प्रॉब्लम है। अब आप देख सकते हैं कि पीसी बिल्कुल सही से ऑन हो रहा है और इसके सारे कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक हुए हैं। विंडोज प्रॉपरली ऑन हो रही है। अब हम YouTube खोलकर देखेंगे कि इसकी स्पीड कैसी आ रही है, क्या वीडियो अटक कर चल रही है या विदाउट बफरिंग प्ले हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि वीडियो बिल्कुल ठीक से चल रही है, कोई भी बफरिंग नहीं हो रही है, सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है। अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी पता चले कि iMac दिल्ली में भी रिपेयर हो जाता है और इसके पार्ट्स भी हमारे यहाँ पर मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।